समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के ट्विटर एडमिन कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ट्विटर के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के विरोध में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में सपा नेता भी मुख्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, बीते दिनों समाजवादी मीडिया सेल के ट्विटर अकाउंट से कई लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उनके द्वारा भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं के अतिरिक्त जो है कई पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया था। इसे लेकर लखनऊ के अलग अलग थानों में लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। साथ ही मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ हजरतगंज थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आक्रोश जताया है और मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा करें। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, कहीं आप लोग जहर ना मिला दो। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश किए, हम जानेंगे किस तरीके से आज इस सिचुएशन को देख रहे हैं। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का हिटलर शाही रवैया है। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे मुकदमे लगा रहे, हमारे विधायकों को जेल भेज रहे हो, कार्यकर्ताओं को जेल भेज रहे हो, ये सब नहीं चलने वाला। बीजेपी के भी तमाम सारे विधायक कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल उनका पूरा, अगर एफआईआर के आधार पे देखा जाए तो पूरा आईटी सेल जेल में होगा बीजेपी का। तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी भी चार्ज किया गया, आज इसका जवाब भी मिलेगा। हम सत्याग्रह करने वाले लोग इनकी लाठी खा लेंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन इनका अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे और जुल्म के खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर रुकू हो चुके हैं। किस तरीके से लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्यालय का जो बैरिकेड उसे तोड़कर अब डीजीपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी जो मुख्यालय है डीजीपी मुख्यालय वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दी है। साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्थिति नियंत्रण से बाहर है और यह पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डीजीपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी तैनात थी।